कप्पू कप्पू। नानी गेस्ट इधर है। पता है पता है, वैसे भी बड़ी गाड़ी को यूटर्न लेने के लिए टाइम लगता है। और तो और पिछले 18 सालों से ये लोग इधर उधर नहीं हुए, तो मैं सोची मैं ही इधर उधर हो जाती हूँ। नानी मैं बैठा हुआ हूँ नीचे। अच्छा बोलता क्यों नहीं है? एक बात तो है बाजी, 18 सालों से जरा भी इधर उधर नहीं हुए। अलग आप देख लो, 10 बजे शो आता है, 11 बजे केस सॉल्व कर दिया। सर आप इतनी जल्दी केस क्यों सॉल्व कर दे? आपको अपना भी रिपीट टेलीकास्ट देखना होता है। ऐसे क्या पता रिपीट टेलीकास्ट देखते ही हो कि कहीं रिपीट टेलीकास्ट में तो नहीं मुजरिम भाग गया। वैसे सच कहूं आप लोगों को सम्मानित करना चाहती हूं मैं, क्योंकि पिछले 18 सालों से केस सॉल्व कर करके, लोगों की समाज सेवा कर करके आप लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, बैंक बैलेंस बना लिए, तो सम्मान तो बनता है ना। तो आइए मैं सम्मानित करती हूं, आइए ना। ये लो। नानी दया को पेटीकोट क्यों दे रही है? अच्छा, ये पेटीकोट तो मेरी किधर है? पेटीकोट। ठीक है ठीक है, अच्छा वो बता दिया। और पेटीकोट भी कौन से रंग का? थैंक यू मैम, थैंक यू। खुशबू है ना उसमें? हाँ ठीक है, मैनेज कर लूंगा, छोड़ दो। अरे कमाल है, अजीब आदमी है, खड़ा जमीन पे, मुंह उसका छट्टे वाले पे है। तेरा कुछ नहीं हो सकता, अपना अपना देखो। अरे हो गया, इधर आइए। एक और का है। चौथी किसके लिए? एक बज गया, इसका क्या करूं? सुनिए एसीपी साहब, हमारा शो अभी अभी शुरू हुआ है, आप ये मुझे पहना कर बधाई दे दीजिए ना। पहना दो। अरे कैसे पहनाए आप? हाथ कड़ी पहना दे, ये भी पहना दो। पहना दो ना। क्या पहना दो? ये पहना दो। इनका सत्कार होगा शायद। तालियां बजाना। क्या कर रहे हैं आप? दास फोटो खींच। मुबारक हो, हमारी शादी हो गई। क्या? चलो चलो चलो, दोनों मिलकर कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है करते हैं। अरे नानी जी आप तो कपिल की नानी है। वो तो इसके लिए तो मैंने शादी की है, इसकी बड़ी जिद थी कि इसका नाना एसीपी हो। और वैसे भी आप घबराइए मत, मेरा वाला जो है ना वो पता नहीं किधर है, तो या तो आप उसे ढूंढ लाइए या मुझे अपने साथ ले चलिए। एक घंटे में आ रही है नानी, क्या कर रही है, कर रही है? एक घंटे में क्या, इतनी भी बुरी नहीं हो। सियाड़ी सियाड़ी सियाड़ी, डोंट फियर सियाड़ी इज हियर। आई एम मायसेल्फ बोर्न लेटरिन। हेलो हेलो सर। वैसे आपका और मेरा पॉपुलैरिटी एकदम सेम है। क्या पॉपुलैरिटी सेम है? वो सीआईडी वाले हमारा 2 नंबर का काम है। 2 नंबर का काम करता है मतलब बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे होने वाली थी। दो नंबर का काम बोले, वही साल 2 नंबर का काम नहीं है। देखे मेरा ये मोहन लेटरिन सेंटर। आपको भी जरूरत पड़ेगा सर। ओके बाद में था। देखे सर लोग, आप लोग इतने इतना केस सॉल्व किया है, बहुत सारा केस सॉल्व किया, लेकिन कभी आपका पेट का केस खराब हो जाए आप लोग इधर आ सकते हैं सर। मैं आपका पूरा टीम को ग्रुप डिस्काउंट दे दूंगा। वो क्या कि हर जगह आप लोग साथ में चलते हैं। अरे लेकिन इनको मैं तो लेके आना, ये हर दरवाजे को तोड़ देता है। और अपना धंधा ही पर्दे का है। लगता है आपने अपना दिमाग भी फ्लश कर दिया। आपने क्या फालतू का सवाल पूछ रहे हो? निकलो यहाँ से। फालतू का सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनको गिफ्ट देने आया हूँ। गिफ्ट मैं दे चुकी हूँ। गिफ्ट तुमने क्या दिया? शॉल दिया। ऐसी गर्मी में एक आदमी शॉल ओढ़ेगा तो सन्नी लियोनी से ज्यादा हॉट हो जाएगा आदमी, नहीं हीटर बन जाएगा।
मैं इनके लिए स्पेशल लुंगी लेके आया हूँ। लुंगी पहने से बहुत आसान हो जाता है। तो लुंगी उतारने बड़ा इजी होता है, इसमें क्या है, इसमें सबको पता है। वैसे उतारने से याद आया, मैं गैस पर दूध रखाई। अब तो भूल गया होगा। नहीं, मैंने चूल्हा जलाया ही नहीं, चला कर आती हूँ। ये लेके जाओ थाली। एसी सर, आपके लिए स्पेशल लुंगी, ये पहनेगा तो आपको बहुत ठंडक का एहसास हो जाएगा। क्यों, ये लुंगी में बर्फ पड़ती है? ये लुंगी है, कश्मीर नहीं है, अंडरस्टैंड? बर्फ नहीं पड़ता इसमें, लेकिन कभी एकदम रॉन्गली ऐसा खुल गया ना तो मार पड़ सकता है। लेकिन ये लुंगी का बहुत फायदा है सर, देखिए आपको मैं बता दूं, बहुत सारा फायदा है। अगर समझो कि कभी आपको प्लेन से कूदना पड़े, आप इसको एकदम पैराशूट जैसे यूज कर सकते, बड़ा इज्जत का फालूदा हो जाएगा लेकिन जान बच जाएगी। ये लुंगी पहनने से आप योगा भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन शीर्षासन मत करना, सीआईडी का सारा सस्पेंस खुल जाएगा। क्या आप मोहन बाबू क्या कर रहे हैं आप? अरे देखिए, हर चीज का प्रॉफिट होता है, नुकसान होता है, लेकिन सोच समझ के यूज करना चाहिए। वैसे मेरे को थोड़ा यूज करने का टाइम हो गया, आप ये लुंगी। हट 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 हट, आइयो।